हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं इस बार हमारी सरकार बना दीजिए, हम 2500 रुपए देंगे। हम भी कह रहे हैं कल्पना सोरेन को इस्तीफा दिलवा दीजिए, हम लोग 2500 रुपए महीना देंगे। 4 साल पहले हेमंत सरकार कहाँ गया था और महिलाओं को सिर्फ 1000 क्यों मिल रहा है, उसमें क्यों नहीं मिलता है? दिल्ली में कितना विकास हुआ? काफी लंबे समय से सुरेश माथे पे रहा है। दिल्ली का विकास करना, विकास के बारे में बोला तो पूरा दिन रात बीत जाएगा पर विकास खत्म नहीं होगा। दिल्ली में जितने भी प्रत्याशी है ना, सुरेश भैया इस बार सबका जमानत जब्त करने वाले हैं। युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, पूरा हुआ? पूरा 5 लाख में 5 गुना नौकरी दिखाइए ना। हमारा विधायक ऐसा ऐसा काम किया है तो दुनिया में देखिएगा आपका विकास ही विकास पैदा हुआ है। क्या लगता है दिल्ली में इस बार क्या माहौल है? दिल्ली का बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। ये लगे ही क्या करने तो आए इस बार राज्य में किसकी सरकार? अच्छा इस बार आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में, क्या लगता है चाची? हेमंत सोरेन 1000 रुपया देता है हम लोग का लड़का। आप लोगों को तो मिल रहा है 1000? अरे 1000 में चलने वाला है भैया, ओनली फॉर केला। तीर कमान नहीं चलता, तीर कमान कुछ नहीं चलेगा, तीर कमान भीतरे पूरा झारखंड का रिकॉर्ड दिल्ली में बनेगा, दिल्ली में बनेगा। वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान सरकार का कार्यकाल खाली लूट खसोट करना रहा। नमस्कार जोहार, इस वक्त मौजूद हम रांची के डीसी ऑफिस के बाहर। आज आशु प्रमुख या सुदेश दिल्ली विधानसभा के विधायक सुदेश महतो नॉमिनेशन के लिए डीसी ऑफिस के अंदर गए हैं और बाहर आप देख सकते हैं उनके समर्थकों और उनके कार्यकर्ता के बीच में खुशियों की लहर है। हजारों लाखों की संख्या में लोग बापू वाटिका से चल करके डीसी ऑफिस के बाहर आ देख सकते हैं किस तरीके से उनके समर्थकों के बीच खुशियों का लहर है। विकास वाला कैमरा के माध्यम से उधर दिखाइए उनके समर्थक, आशु के समर्थक और उनके कार्यकर्ता के बीच में खुशी का लहर है। हम आइए बात करते हैं लोगों से कि इधर दिल्ली विधानसभा का क्या माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से जब सैलाब उमड़ा है नॉमिनेशन रैली में लगता है मानो सुदेश महतो एक तरफा जीत दर्ज करेंगे। आइए लोगों से बात करते हैं, पता करते हैं आप भी दिल्ली से आए हुए हैं, क्या लगता है इस बार दिल्ली में? विजय सुदेश महतो विजय उधर देवेंद्र नाथ महतो और अमित महतो भी है। हम लोग पार्टी मजबूत है, काम किए हैं हम लोग। अमित महतो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए हैं, फसल बदल हुआ है। सुदेश महतो के टक्कर में नहीं है कोई लोग? नहीं है, कोई नहीं है। क्या लगता है भैया इस बार दिल्ली में जीत निश्चित है? काम के बदौलत हम लोग वोट मांगेंगे और जिस में जीत है मैदान में सभी है, लेकिन कोई एक ही जीत सकते हैं सुदेश महतो का सीओ। सुदेश महतो लगातार काफी लंबे समय से दिल्ली के विधायक रहे हैं, दिल्ली को दिल्ली बनाने के काम किया है, पूरा झारखंड में दिल्ली विकास मॉडल के नाम पे जाना जाता है, उसी के बदौलत वोट मिलेगा और काफी वोट के अंतर से जीतेंगे हम लोग। इस बार राज्य में किसकी सरकार? राज्य में एनडीए की सरकार, वोट भ्रष्टाचार से त्राहिमाम है जनता, उसको उखाड़ फेंकेगी और एनडीए की सरकार लाएगी। आप लोग वर्तमान सरकार तो खुश नहीं है? बिल्कुल, युवा तो पूरी तरह से नाराज है, अभी देखिए देख ही रहे हैं जितना बेरोजगारी और बेरोजगारी के मुद्दे, जितना युवा लड़का है सबको नियुक्ता को बेचने का काम कर रही है ये सरकार, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग युवा सब एकमुश्त हुए हैं और एनडीए को जिताने का काम करेंगे। दिल्ली में इस बार तीर कमान चलेगा, कैसे छाप चलेगा, केला चलेगा? दिल्ली में केला ही चलेगा। सुदेश महतो, अमित महतो, देवेंद्र नाथ महतो, कौन? कोई नहीं है, सिर्फ सुदेश महतो है। दिल्ली मतलब सुदेश, दिल्ली मतलब सुदेश, चलिए दिल्ली मतलब सुदेश भैया जी बता रहे हैं। क्या लगता है चाचा इस बार दिल्ली में? दिल्ली में सुदेश महतो को कोई नहीं हरा नहीं सकेगा। अमित महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिया है, तो चार को पार्टी बनाते जाओ, अपना भी पार्टी बनाया, फिर भाग गया, फिर जो वहाँ किससे छोड़ के आया उसमें भी भाग गया और फिर उसी में चल गया, इसलिए अमित महतो को कहीं जगह नहीं है। नया नेता देवेंद्र नाथ महतो भी मैदान में है, देवेंद्र नाथ महतो नेता है, लेकिन वो सुदेश महतो का कुछ नहीं है, नहीं सकेंगे वो लोग। ये सुदेश महतो जब तक रहेंगे तब तक सुदेश महतो का ही बलबला रहेगा और वो अवर मतलब जब तक दिल्ली रहेगा तब तक दिल्ली में सुदेश महतो रहेंगे तब तक उनका बलबला रहेंगे, तब तक सुदेश महतो जीतेंगे। क्या लगता है इस बार राज्य में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी गठबंधन का, आज सुबह बीजेपी का गठबंधन का सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री सुदेश महतो बनेंगे। दिल्ली में मतलब खेला ही चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। दिल्ली से आया चाची जी, क्या लगता है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में इस बार विजय होगा आशु का, फिर का सुदेश महतो जी, अमित महतो भी है, देवेंद्र नाथ महतो भी है, दिल्ली में कोई नहीं है इसका टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, विकास पुरुष है। अच्छा इस बार आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में? एनडीए की। क्यों चाहते हैं आप लोग एनडीए की सरकार? क्योंकि हेमंत सोरेन जो है ना अच्छा से नहीं किया, जो महिलाओं को तो 1000 रुपए दे रहे हैं, दे रहे हैं तो 1000 में थोड़े होगा, हम लोग का रोजगार था, 1000 में कितना दिन चलेगा? आप लोगों को रोजगार क्या लगता है चाची? 4 साल पहले हेमंत सरकार कहाँ गया था और महिलाओं को सिर्फ 1000 क्यों मिल रहा है, हस्बैंड को क्यों नहीं मिलता है? हमारा हस्बैंड बेरोजगार है, 1000 में मेरा घर कोई नहीं चलता है। 1000 में घर नहीं चलता है? नहीं। क्या जरूरी है, रोजगार या पैसा? रोजगार चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। अच्छा दिल्ली में क्या माहौल है इस बार? दिल्ली में बढ़िया माहौल है, इस बार सुदेश महतो का विजय
होना निश्चित है। फिर से सुदेश महतो जी, फिर से अमित महतो भी है, देवेंद्र नाथ महतो भी है वहाँ पर, सब कहा में गया, सुदेश महतो बस एक बार फिर से है। सुदेश महतो फिर से, क्या लगता है इस बार एकदम सुदेश महतो? सुदेश महतो जी, कोई नहीं अटैचर इसके? नहीं। क्या लगता है चाची? सुदेश महतो। अच्छा, राज्य में किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? राज्य में किसकी सरकार चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सुदेश महतो का ही सरकार हो। सुदेश महतो की सरकार क्यों चाहते हैं आप लोग? सुदेश महतो का ठीक है, दिल्ली में जो सुदेश महतो ही है, पूरी तरह काम किया नहीं है। क्या बोले? दिल्ली का जैसा कोई नेता काम किया ही नहीं है। दिल्ली में कितना विकास हुआ? काफी लंबे समय से सुदेश महतो बिधायक। दिल्ली का विकास के बारे में बोला तो पूरा दिन रात बीत जाएगा, पर विकास का खत्म नहीं होगा, इतना काम किए हैं। अच्छा, क्या लगता है चाची? जोहार आपका इस चैनल का। सबसे पहले तो मेरा विधायक ऐसा विधायक है सुदेश महतो कि जो मेरा बच्ची गोबर गोयठा कहीं भी चुन जाती थी ना खेत खलियन में, वह बच्ची नेशनल लेवल में अभी काम कर रही है, नेशनल लेवल पर खिलाड़ी बन गई है। हमारा विधायक ऐसा ऐसा काम किया है जो दुनिया में देखिएगा, आपका विकास ही विकास पैदा हुआ है, है? और कोई भी कोई कुछ बोले, हमारा सुदेश महतो का जीत हासिल है। अमित महतो भी है सिल्ली में। अरे भाई, वो भी कर रहे हैं, हम भी सिल्ली वासी हैं। अरे भैया, खतियानी पार्टी बोल रहा था, कहाँ गया भैया खतियानी पार्टी? जेएमएम में विलय कर दिए। अरे भाई, कैसे क्या हुआ? खतियानी का रांची आते बैग तो गिर गया का खतियानी तो। अच्छा। खतियानी तैयार किया तो कहाँ गया? हेमंत सोरेन 1000 रुपया देता है हम लोग का लड़का। आप लोगों को तो मिल रहा है 1000? अरे 1000 में चलने वाला है भैया, मेरा 4 को लड़की है, बताइए दो को बुंदू में रखते हैं तो उसको पढ़ाई क्या होगा? 1000 रुपया में मेरा लड़की नौकरी करने के लायक है होगा? हमको नौकरी चाहिए। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आप लोग? हम लोग का सरकार तो एकदम देखिए, ये जो खड़ा है अभी हम लोग सामने है, हम लोग काफी हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। एकदम बिल्कुल, अरे जीत हम लोग का हासिल रहेगा और हम लोग जीत के रहेंगे। आप लोग जीत के रहिए। क्या लगता है चाची इस बार सिल्ली में? हम लोग का सिल्ली सुदेश महतो ही जीतेगा और क्या। काफी लंबे समय से विधायक रहे आप? हाँ, लंबे समय से रहे और आगे भी रहेगा। आगे भी रहेंगे। उनके टक्कर में तो अमित महतो भी है, देवेंद्र नाथ महतो भी है, सबका अपना अपना जो जैसा काम करेगा वो सब मतलब प्रचार में आएगा। वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसा रहा हेमंत सोरेन का? हेमंत सोरेन का क्या कार्यकाल कैसा रहा? उनका 5 साल खत्म होने चला है। नहीं, जीरो का हिसाब से है। हम लोग का तो सुदेश महतो जितना काम किया उसका हिसाब से तो ये मतलब जीरो का हिसाब से। अच्छा, सुदेश महतो का भी ऐसे काम? लिखा बच्चा सबको बाहर में ऐसे ही घूम रहा है, मतलब के पास अब जो मुरुख है जो पढ़ा लिखा है उसके लिए भी काम नहीं है, जो पढ़ा लिखा है उसके लिए नहीं। अच्छा, क्या लगता है चाची इस बार? बोलिए क्या लगता है? बोलिए सिल्ली में क्या लगता है? अमित महतो, देवेंद्र सिल्ली में विकास हो रहा है, आगे भी होगा। सुदेश महतो इस बार जीत रहा है, आ रहा है। चलिए, सभी बहुत सारे महिलाएं से पूछे, सभी लोग कह रहे हैं सिल्ली में चलेगा तो सिर्फ आशु पाटी और सुदेश महतो चलेंगे। क्या लगता है सिल्ली में इस बार क्या माहौल है सिल्ली का? बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, मेला के ही चक्कर में तो आए। अच्छा, क्या लगता है इस बार सिल्ली में सुदेश महतो, अमित महतो या देवेंद्र नाथ महतो? सुदेश महतो। क्या लगता है भैया, सुदेश महतो या फिर देवेंद्र नाथ महतो? नहीं, सुदेश महतो। सुदेश महतो। अच्छा, आप तो बड़ा समर्थक लग रहे हैं सुदेश महतो का। हाँ, सुदेश महतो। सुदेश महतो कितना अच्छा काम किया आपके क्षेत्र में? बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा काम किया तो इस बार फिर से सुदेश महतो? हाँ, सुदेश महतो। उधर देवेंद्र नाथ महतो भी है, अमित महतो भी है। नहीं, सुदेश महतो। चलिए, सुदेश महतो। क्या लगता है चाचा इस बार दिल्ली में? दिल्ली में सुदेश महतो आएगा फिर से। उधर देवेंद्र नाथ महतो भी है, अमित महतो भी है। वो तो बहुत किला, ओनली फॉर किला छाप, खाली केला, ओनली फॉर केला। तीर कमान नहीं चलता, तीर कमान कुछ नहीं चलेगा, तीर कमान भित्रे। अच्छा, राज्य में किसकी सरकार है? किसकी सरकार? राज्य सरकार। क्यों चाहते हैं आप लोग बीजेपी? मान सरकार से खुश नहीं है? वो ठगला सरकार से नहीं खुश है, मैया सम्मान दे रही है महिला। हम 4 साल पहले क्यों नहीं दिया? 2 महीने कह रही है बीजेपी वाले फंसा के रख दिए थे हमको, काम नहीं करने दे रहे। कुछ फंसा के 3 साल कोविड में बीत गया। नहीं, कुछ फंसा के नहीं रखे। वो आदमी जानता है पब्लिक और बुड़बक नहीं है। अच्छा, युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किए थे, पूरा हुआ? पूरा। 5 लाख में 5 की नौकरी दिखाई है ना। अच्छा, इस बार किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी सरकार में उसमें चिन्हित किया जाएगा, बीजेपी सरकार आएगा। बाबूलाल मरांडी या फिर चंपई सोरेन? सुदेश महतो भी रेस में होंगे, आप लोग के नेता है। हाँ, हम लोग के नेता है। आप लोग चाहते हैं कि सुदेश महतो मुख्यमंत्री बने? हाँ, चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय में उसमें मंथन होगा। अच्छा, मंथन होगा। हाँ, पूरा झारखंड का रिकॉर्ड सिल्ली में बनेगा। सिल्ली में बनेगा। क्या लगता है सुदेश महतो इस बार विजय हासिल कर पाएंगे? सुदेश महतो विजय हासिल, विजय होगा सुदेश महतो।
जन सैलाब तो काफी लाखों की संख्या में लोग आए हैं, लाखों की संख्या में है। ये तो अभी झांकी है, टेलर बाकी है, अभी ये झांकी है और अभी बाकी है। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है राज्य में? एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। आजसू पार्टी 10 का 10 सीट लाके पूरा झारखंड में इतिहास रच रही है। क्या लगता है इस बार? एनडीए क्लीन स्वीप, एनडीए क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप। इधर इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस 0-0 जीरो। उन लोग भी कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, कोई सरकार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये लूटने वालों की सरकार जो बनी हुई है, झारखंड को बेचने वाला और लूटने वाले सरकार को अगर जनता उखाड़ फेंक देगी। समझे ना, वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसे रहा था? वर्तमान सरकार का कार्यकाल खाली लूट खसोट करना रहा, झारखण्ड को भूमि को खंडहर बनाना रहा। झारखण्ड जो बना इसको लूट खसोट करके खंडहर बना रहा। अच्छा अच्छा, आप काफी लंबे समय से झारखण्ड के ही है, हम लोग तो काफी अभी तो नए, अभी नए नए हम लोग हैं। आप बताइए पिछले 24 सालों में झारखंड में कितना विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य लिया गया था ना, उसके विपरीत कार्य हुआ है। वहाँ खाली लूट तंत्र मचा हुआ है झारखंड में। दिल्ली में क्या लगता है? दिल्ली में सुदेश महतो क्लीन स्वीप करेंगे, एकदम भारी बहुमत जीतेंगे। सर अमित महतो भी कर रहे हैं, हमारी जीत पक्की है। अमित महतो वगैरह का वहाँ कोई लेना देना नहीं है, कोई खड़े हो जाए सुदेश महतो का कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी चले गए, वो तो दल बदलू है, ये तो दल बदलू को आजकल जनता नकारती है। अच्छा, दल बदलू को जनता नकारती है? नकारती है। आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है चक्कर एकदम 100% सुरेश जी का जीत है, सुरेश महतो एकदम फाइनल। अमित महतो भी कह रहे हैं हमारी भी जीत पक्की है, उन लोग को जमानत जब्त होगा। क्या लगता है इस बार राज्य में? राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी और पूरे दमखम के साथ बनेगी। उधर जेएमएम वाले भी इंडिया लाइन चला भी कर रहे हैं, हमारी सरकार दोबारा हमारी सरकार को हवा दे रहा, हवा में चला गया। उन लोग पूरा भ्रष्टाचारी भी लोग लिप्त है, उन लोग जनता नकार चुका है इस बार। क्या लगता है इस बार एनडीए सरकार? एनडीए सरकार दिल्ली में सुदेश महतो या अमित महतो? सुदेश महतो, अमित महतो कहा दोगला आदमी, आज यहाँ कल वहाँ, कोई उपाय नहीं है। अच्छा, खतियानी पार्टी बनाए थे, खतियानी नहीं चलेगा, सब सामने आ रहा है ना, देख रहे हैं ना। तो 1932 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ नहीं। क्या लगता है 23 वर्ष दिल्ली में? दिल्ली सुदेश कुमार महतो, और कौन? सुदेश कुमार महतो कोई नहीं है टक्कर में। अमित महतो भी तो कह रहे हैं कि हम भी लेस पे हैं। अरे कोई भी कुछ बोल के चला जाएगा, सुदेश महतो सुदेश महतो है, उनकी टक्कर नहीं है। बिल्कुल 100% सुदेश महतो। अच्छा, राज्य में किसकी सरकार बन रही है बताइए? एनडीए। क्या चाहते हैं अपने लंजे? क्योंकि विकास को गति देना है तो एनडीए सरकार को लाना है। विकास को लाना है तो एनडीए सरकार को लाना है? बिल्कुल, विकास अगर कराना है, जनता का जन समस्या को अगर समाधान कराना है तो एनडीए को लाना होगा। अच्छा, वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसे? उनका बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ बालू बेच रहे हो, बालू रोको और कुछ नहीं। आपके क्षेत्र में भी तो बालू माफिया बड़ी लोग हैं क्या? मेरे क्षेत्र में तो है नहीं, वैसे देखते कौन नहीं है आपके? कौन है? क्या लगता है 23 वर्ष दिल्ली में? एकदम सुदेश महतो केला ही केला, केला ही केला, पूरा केला कर। तीर कमान भी तो है, है? तीर कमान है, कैंची छाप है, वो बिहार का है, वोट कटवा सब है, वोट कटवा सब है। सुदेश का आगे कोई नहीं, सुदेश का आगे कोई नहीं। अच्छा, कितना विकास किया सुदेश महतो अपने क्षेत्र में बताइए? ये आप किसी से छुपा नहीं है, जब वो मंत्री बने तो सारे जगह पद का पूरा बिछाते अपना जो सिल्ली है, सिल्ली क्षेत्र में जो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, बारिश के मौसम में पूरा टापू बन जाता, वो सबको सभी को एक दूसरे से जोड़ने काम किए। बड़े बड़े पुल पुले जितना भी बनाया उनके कार्यकाल में ही बनाया। हाँ, तो फ्री में बस सेवा भी चलवाते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे सारा कुछ, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है उनका। यहाँ तक कि खेल कूद में भी सभी लोगों का आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी बढ़िया स्टेडियम बनाए हैं, बहुत सुंदर है। आज एक वो उनके खेल के माध्यम से आज देश में नहीं विदेश तक लोग खेलने जा रहे हैं। चलिए, सिल्ली वासियों का कहना है चलेगा तो सिर्फ खेला चलेगा। क्या लगता है चाची इस बार सिल्ली में? क्या लगता है इस बार दिल्ली में जितने भी प्रत्याशी है ना, सुदेश भैया इस बार सबका जमानत जब्त करने वाले हैं। सबका जमानत जब्त? हाँ, सबका जमानत जब्त होगा, क्योंकि ये लोग पलटू राम है। उधर अमित महतो कह रहे हैं कि हम जमानत जब्त कर रहे हैं। बता के आप बोल दीजिए कि 15 दिन पहले हम मैया समान योजना में सवाल उठा रहे थे और आज मैया समान योजना देने आ गए। बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पे इनका ये की। क्या बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पे इनका क्लिप? जी हाँ, इसीलिए इस बार अमित महतो को हम लोग अगला बार चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आप लोग को भी महिला समान वाला पैसा मिल रहा होगा? महिला मैया सम्मान योजना का क्यों सब लेंगे हम लोग फायदा? हम लोगों को रोजगार चाहिए था, स्वरोजगार चाहिए था, ना कि 1000 का मैया सम्मान योजना। हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं इस बार हमारी सरकार बना दीजिए, हम 2500 रूपए देंगे। तो हम भी कह रहे हैं कल्पना सोरेन को इस्तीफा दिलवा दीजिए, हम लोग 2500 रूपए महीना देंगे।
अपना कल्पना सोरेन से इस्तीफा दिलवाने पर। अगर हमारा घर 2500 से चलेगा तो कल्पना सोरेन का क्यों नहीं चलेगा? चलना चाहिए ना, क्यों विधायक लड़ेगी वो? दिलवाया इस्तीफा 2500 रुपया आंसू पार्टी की राज्य जिला अध्यक्ष की महिला हर त्योहार महिला देगी कल्पना सोरेन को, इस्तीफा दिलवाइए। अच्छा आप लोग 2500 से नहीं चल रहा, क्यों चलेगा? हमें रोजगार चाहिए था, 18 साल से 35 साल की महिला को रोजगार चाहिए था या पेंशन चाहिए था? क्या हम बेचारी है, लाचारी है? आपने इतनी सारी योजना लाए, फूलों जाना योजना, किसमें किसको क्या दिया आपने? कितनी महिलाएं शराब बेचना छोड़ दी? आप यहाँ पे लाए सावित्री बाई फूले योजना, उस योजना में कितनी महिला भ्रष्टाचार मुक्त हटाना है? कल्पना सोरेन का चुनाव जीता हुआ 6 महीना हो गया, उन्होंने क्यों नहीं कहा महिला आयोग का गठन किया? महिला सम्मान की बात करते हैं तो महिलाओं का सम्मान सिर्फ 1000 में तो नहीं बिकता है? महिला अपने सम्मान के लिए किसके दरवाजे पे जाएगी? कहाँ है आपका महिला थाना का जो प्रोग्रेस था, कहाँ है? कहाँ है महिला आयोग बताएं, कहाँ है मानव अधिकार आयोग? कहाँ जाएंगी महिलाएं? 1000 दे देने से महिला सम्मान झारखंड का नहीं खरीदा जा सकता। 1000 से महिलाओं को खरीदा नहीं, उसका विकास नहीं किया जा सकता। कैसे विकास होगा? क्या उनका बच्चा पल जाएगा, उनका पति और उनका घर संभाल? हेमंत सोरेन तो मन से चिल्ला कर कहते हैं महिलाओं को 1000 रुपया दे रहे हैं, उनका घर चल रहा है, चूल्हा चौकी चल रहा है। अच्छा तो हेमंत सोरेन को जाके क्या कीजिए कि इस बार जो है ना उनका जमानत उनका भी जब्त होने वाला है। अच्छा उनका भी जमानत? क्योंकि वो जो बोलते हैं हम आदिवासी ही तैसी है, आदिवासी ही तैसी है, तो नॉमिनेशन करने तो यही आएंगे ना, यही जो हर दिन गुजरते और यही पे झोला टांगे। तो 24 साल पहले खड़ी थी, वो आज भी खड़ी है महिलाएं बेरोजगारी के कगार पे, और उनके हाथ से तो उन्होंने थाली की रोटी भी छीन ली बालू मांगा करके। अबुआ आवास कहाँ गया जी? आजकल अबुआ आवास में ढोलने पीट रहे हैं आप, आजकल फूलने बरसा रहे हैं अपने ऊपर। अभी मैया सम्मान योजना भी आप भूल रहे हैं क्योंकि विरोध हो रहा है। आप हर योजना से भीड़ जुटाने के लिए लाते हैं और इस बार आपका जमानत जब्त करके रहेगी झारखण्ड। अच्छा हेमंत सोरेन महिलाओं से वादा किया सरकार बनने से पहले आधार कार्ड से 50,000 रुपया लोन, आप लोग के गांव में मिला कि नहीं? को आपको तो पता होना चाहिए कि 2000 रुपया चूल्हा खर्चा भी दे रहे हैं हेमंत सोरेन जी हर महिला को, नहीं पता आपको? 5 साल से हर महिला को, झारखंड की हर महिला को 2000 रुपया चूल्हा खर्च मिल रहा है ना हेमंत सोरेन जी? आप ही लोग बता सकते, आप ही लोग को मिल रहा है? माँ होगी ना आपकी भी, कोई दीदी होगी? हमारी माँ को तो नहीं मिल रहा, मेरी माँ को भी नहीं मिला और हमको भी नहीं मिला। चलिए क्या लगता है इस बार सिल्ली में सिल्ली विजय होगा? सुदेश माथुर जिंदाबाद। सिल्ली का चर्चा पूरा दिल्ली में होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है। आज जो गठबंधन के तहत 10 सीट मिला है, उस 10 का 10 सीट जीत के पूरा दिल्ली में आज पार्टी का जोर शोर से चर्चा होने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सिल्ली वासियों से हमने बात किया, सिल्ली वासी सभी कह रहे हैं सिल्ली में अगर चलेगा तो सुदेश माथुर चलेगा और उसको टक्कर का कोई नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि अमित माथुर का, देवेंद्र नाथ माथुर का जमानत जब्त हो जाएगा, तो कुछ महिलाएं कह रही है कि इस बार हेमंत सोरेन का भी जमानत जब्त हो जाएगा। मैया सम्मान योजना के ऊपर हमने बात की तो कुछ महिलाएं कह रही है कि कल्पना सोरेन को इस्तीफा दिला दीजिए, हम भी उनको 2500 रुपए दे देंगे, क्या उनका घर चल जाएगा? तो क्या आप दर्शक कमेंट करके बताइए कि आप झारखंड की किस विधानसभा सीट से आते हैं और आपके विधानसभा सीट में कौन सी सबसे बड़ी मुद्दा है? आप देख रहे थे भोकाल टीवी, हमारा नाम है पुनीत और कैमरे के पीछे विकास, शुक्रिया।